प्रदेश में एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसके चलते नई सरकार में रतलाम के सैकड़ों लोगों को रामदेवरा तीर्थ के दर्शन करने का लाभ मिलने जा रहा है। रतलाम से 400 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का जत्था 5 सितंबर से रात रामदेव तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुआ। आलोट विधायक मनोज चावला व कलेक्टर रुचिका चौहान ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की ट्रेन को हरी झंडी देखकर रवाना किया। शुक्रवार को भाजपा के आजा मोर्चा के निबानिया मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष कृष्णा मालविया के नेतृत्व में कुल 7 कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जिनमें से एक के हाथ में मंत्री का पुतला था। बाकी मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कुछ कदम चलने और नारेबाजी करने के बाद उंगलियों पर गिन लिए जाने वाले आजा के कार्यकर्ताओं ने पुतले को आगे के हवाले कर दिया। अनुसूचित जाति के निपानिया मंडल अध्यक्ष कृष्णा मालवीय ने बताया कि यह प्रदर्शन मंत्री तुलसीराम सिलावट के खिलाफ किया गया। मालवीय ने आरोप लगाया कि मंत्री और उनके पुत्र तबादला कारोबार कर रहे हैं। सोन लग जड़वा सा कला रामदेव यात्रा जा रहे हम मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री है तो होना चाहिए ना ऐसा ही क्या लाभ मिल रहा है ठीक है और जिससे न्यू हो रहा है वो कर पा रहे हैं और क्या हाँ नहीं अच्छा होगा नहीं अच्छा संभव है तो कितने लोग हैं आपके हमारे गांव से 25 है सोहन लाल कड़ीराम जड़वासा रतलाम किस योजना के तहत कहाँ यात्रा में जा रहे हैं आप रामदेव जी बाबा कौन सी योजना में कमल किशोर जी मुख्यमंत्री मुख्य मंत्री हाँ कैसी योजना है लगता है ऐसी योजना होनी चाहिए तो इसकी वजह से यात्रा हो पा रही है आपकी अच्छी है हाँ अच्छी हो पा रही है प्रदेश में कमलनाथ सरकार के आने के बाद अब इसमें कुछ नए परिवर्तन भी हुए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने बताया कि अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में 60% से ज्यादा अपंगता वालों के लिए जो उम्र की बाध्यता थी वह खत्म हो गई है। ऐसे व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में कम से होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बार यात्रा के आवेदन के में दस्तावेज जमा हो जाएंगे। यदि पहली बार में यात्रा के लिए चयन नहीं हुआ तो अगली बार आवेदन के साथ दोबारा दस्तावेज नहीं देंगे। यात्रा पर गए हितग्राहियों में खासा उत्साह देखा गया। इस यात्रा में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, रतलाम।